चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा माखन शाह लबाना की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह पर सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया और उनके साथ खेल मंत्री संदीप सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने माखन शाह और बाबा लखी शाह बंजारा के जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया। हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बाबा माखन शाह और बाबा लखी शाह वंजारा की जयंती के मौके पर धर्मनगरी के नाम से मशहूर कुरुक्षेत्र में सरकार की तरफ से पहली बार बाबा लखी शाह वंजारा और बाबा माखन शाह लुबाना की जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और उनके साथ खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी और अन्य बीजेपी नेता शामिल रहे। सीएम मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा लखी शाह ने चार गांव बसाए थे और ये कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती है, यहीं से गीता का संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की और पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनने के बाद पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी मुद्दों पर काम करने की बात कही। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती ये कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र और इसी पवित्र स्थान पर आज हमारे दोनों समाजों का ये जो संगम हो रहा है, इस अवसर पर का भी बहुत बड़ा योगदान मैं इसमें समझता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। और बाबा लखी शाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियाँ हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था, गुरु नानक देव जी से लेकर के और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई। तो जो लोहगढ़ स्थान है, वो लोहगढ़ स्थान भी 7000 एकड़ की जो भूमि है वो बाबा लखी सिंह बंजारा, ये उनकी है, उन्होंने इसको उनको दिया हुआ है। कहते हैं कि बाबा लखी सिंह बंजारा इतने अमीर थे कि आज जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां आज इंडिया गेट है, जहां आज सेक्रेटेरिएट है, इस दिल्ली के जो उस समय दिल्ली बहुत छोटी दिल्ली होती थी, एक गांव ही होता था, उसके आसपास चार बड़े गांव बाबा लखी शाह बंजारा ने बसाए थे। इसके अलावा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए साथ में कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां हर वर्ग को सम्मान मिलता है। बाबा लखी शाह बंजारा जी, इनकी जयंती के ऊपर हम एकत्रित हुए हैं। इन दोनों महापुरुषों का जो जीवन है, वो जीवन गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा मक्खन शाह लबाना जी और बाबा लखी शाह वंजारा जी के जीवन से हम सबको आस्था की तरफ और आस्तिक होने की प्रेरणा मिलती है। आज इस मंच के ऊपर हम सबको एकत्रित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी भी सोच और इनकी भी जो विजन है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि प्रदेश की उन्नति करना,
प्रदेश की आस्था आगे बढ़ाना और हर समाज के हर व्यक्ति को किस प्रकार, चाहे वो आय हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो युवा की सोच हो, युवा का जीवन हो, चाहे महिलाओं का जीवन हो, महिलाओं का काम हो, हर प्रकार में, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे प्रदेश की उन्नति हो, हर प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं आज आप सबको और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने ऐसे शुरुआत की है, हरियाणा बहुत चीज़ों में आगे था और आगे है और आगे चल रहा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेना में हमारे नौजवान जा रहे हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं। एक नया टारगेट जो है सेट करने में हरियाणा हमेशा अव्वल रहा है और महापुरुषों की जयंती को मनाने के लिए भी एक नया टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेट किया है। मैं इससे अपनी तरफ से और आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। आपको जानकारी दें, बाबा माखन शाह लबाना का जन्म 1619 में कर्नाटक में हुआ था। बाबा माखन शाह का नाम सिख इतिहास में बड़े आदर से लिया जाता है। बाबा माखन 7वें, 8वें और 9वें सिख गुरु साहिब के समकालीन थे और 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर साहिब को लेकर विरोधियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था, तो उस भ्रम को दूर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाबा माखन शाह लबाना एक अमीर व्यापारी थे। इनका व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। वहीं बाबा लक्की शाह बंजारा का जन्म पाकिस्तान के जिला मुजफ्फरगढ़ के गांव खैरपुर में 4 अप्रैल 1580 को हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सभी समाज के महापुरुषों की जयंती समारोह प्रदेश स्तर पर मनाने का बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले सरकार ने पानीपत और करनाल सहित अन्य स्थानों पर महापुरुषों की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कुरुक्षेत्र से खबर फास्ट के लिए देवीलाल बारना की रिपोर्ट।